साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट टैब के विषय में। पेज लेआउट टैब में आज हम जानेंगे प्रिंट टाइटल से। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब में बैकग्राउंड तक की पूरी जानकारी दी है। आज हम प्रिंट टाइटल से आगे की बात करेंगे कि किस तरह से इनको यूज करें और इनका यूज क्या होता है। जैसे सबसे पहले तो हम बात करें प्रिंट टाइटल, तो प्रिंट टाइटल होता क्या है और इसका यूज क्यों किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रिंट टाइटल पे क्लिक किया तो देखिए आपके सामने पेज सेटअप का बॉक्स आ गया। यहाँ पर अब ये है प्रिंट टाइटल, यही एरिया है प्रिंट टाइटल का। अब देखिए यहाँ पे आप क्या चीज रिपीट करना चाहते हैं, टॉप रिपीट मान लीजिए इसको आप करना चाहते हैं। उसके बाद कॉलम में क्या रिपीट करना चाहते हैं, इसको आप रिपीट करना चाहते हैं। या मान लीजिए कि यहां से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और आसान सा रास्ता मैं आपको बता देता हूं कि टाइटल में आप रो कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। रो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाला, ये रो, और कॉलम जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो हम ये कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। जो भी कॉलम आप ले लेते हैं वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया। आप देखिए हमने यहां पे ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया और ये रो सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब ये हमारे प्रिंट टाइटल पर सेट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं फाइल में चल के प्रिंट करके। तो यहां पर हमारा वो कंटेंट प्रिंट टाइटल में सेट हो चुका है। तो अब हम जब भी प्रिंट करेंगे तो ये हमारा टाइटल जो होगा वो प्रिंट होगा, ये प्रिंट टाइटल रिपीट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे विड्थ और हाइट और स्केल की, तो सबसे पहले तो आप समझिए ये पेज से रिलेटेड है। आप यहाँ पे जैसे पेज साइज, पेज सेटअप में हम पेज साइज सेट करते थे मार्जिन में जाके। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि कस्टम मार्जिन करके यहाँ से आप पेज में जाके पेपर साइज लेते हैं। तो यहाँ पर जो साइज आपको मिलेगी वो विड्थ, पेज की चौड़ाई कितनी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग चौड़ाई सब में सेट है। अब कैसे पता किसमें क्या चौड़ाई सेट है, तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 6 जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मोर करिए, तो अब इसकी जो साइज है वो ये है, यहाँ पे लेटर ही है सेट, तो बाय डिफॉल्ट लेटर सेट है। और यहाँ पे अगर कोई और भी साइज आप सेट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए A3 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हम जब यहाँ पे आके पेज विड्थ में पेज 1 करते हैं तो अब हम इसका स्केल देखेंगे, तो इसका स्केल क्या हो जाएगा, यहां पे पेज ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। तो ये देखिए A3 है। तो यहां से आप लीगल लेटर जो भी आप करना चाहें आप वो आराम से सेट कर सकते हैं। ये पेज की चौड़ाई होती है जो आपके प्रिंट पर काम आती है और इसका आप यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसी तरीके से हाइट है, विड्थ है, तो आप इनको भी आप सेट कर सकते हैं। अब हम बात करें, जैसे अभी अगर आपको ये पूरी तरीके से ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा और मैं एक तरीका आपको बताऊंगा जिससे अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कर दिया। अब आप इसका प्रिंट निकाल रहे हैं तो अब आप देखिए आपका कंटेंट इतने पेज में निकल रहा है जबकि अभी जगह बहुत खाली है। तो अब हम चलते हैं पेज लेआउट में और यहां पर हम कोई भी एक स्केल चुन लेते हैं, यह 100%। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और अब देखिए आपका मैटर पेपर में कितना छप रहा है, ये उससे बाहर चला गया, पेज की साइज को इसने चेंज कर दिया, ये दो पेज हो गए। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग साइज मिल जाएगी, यहाँ से हाइट और विड्थ दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करके अब जब आप प्रिंट देखेंगे तो जो दो पेज में कम आ रहा था वो दो पेज में क्या चार पेज में आपका पूरा परफेक्ट आएगा। तो यहां से आप हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें, इसको हम नॉर्मल करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो कंटेंट लिखते हैं, ये जैसे हमारा कंटेंट है इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो देखिए हमारा मैटर पेपर पे बाहर की तरफ चला जा रहा है और उसको प्रिंट नहीं कर पा रहा है। तो अब ऐसे में यहाँ जो स्केल लिखा हुआ है स्केल को आप कम कर दीजिए, स्केल को आप जितना आप देख लीजिए आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, यहाँ से आप स्केल को मैनेज कर लीजिए। मैनेज करके जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका कंटेंट यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा।
यहां से आप स्किल को मैनेज कर सकते हैं जो भी चाहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे सीट ऑप्शन, सीट ऑप्शन मतलब ये क्या होगा कि आपके वर्कशीट से रिलेटेड यहां सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहला गाइडलाइन है, दूसरा हेडिंग है। गाइडलाइन क्या होती है, अभी एक नया और सादा पेज लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे जैसे हम क्या करते हैं, गाइडलाइन हट जाए और प्रिंट पे गाइडलाइन आए। देखिए एक बार ध्यान से, व्यू में हमने गाइडलाइन पे क्लिक किया, पूरा का पूरा पेज व्हाइट हो चुका है। अगर आपने गाइडलाइन पे क्लिक किया तो फिर से देखिए रो और कॉलम बन चुके हैं। मान लीजिए आपने गाइड हटा दिया और आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं कि प्रिंट पे गाइड चाहिए हमको, तो फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करिए। तो अभी यहाँ पे कोई कंटेंट तो लिखा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कंटेंट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट पे गाइड आपको बना के दे देगा। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रिंट पे गाइड बनता है या कोई इसके लिए भी हमें सेटिंग करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट के लिए ऑटोमेटिक गाइड तैयार हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे दो कॉलम भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी गाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट है हेडिंग। हेडिंग क्या होता है, पेज का हेडिंग टाइप। जैसे ये जो कॉलम हेडिंग होता है, कॉलम हेडिंग ए बी सी, ये देख रहे हैं 1 2 3, तो आप इनको हटाना चाहते हैं तो आप व्यू में चल के हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी सारी हेडिंग हट जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे, अच्छा चलिए अभी हम प्रिंट देख लें कि हमारा मैटर प्रिंट करने पे कैसा छप रहा है। तो प्रिंट करने पे ऐसे व्हाइट पेपर पे छप रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पेज पर हेडिंग भी अप्लाई हो। तो हेडिंग अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यू टैब में प्रिंट पे चल के हेडिंग पर क्लिक कर देना होगा। जब आप हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए हेडिंग बन गई। अगर आप अगली एंट्री करते हैं, मान लीजिए इधर सी में आपने एंट्री करी, डी में एंट्री करी, ई में एंट्री करी, अब आप जैसे ही इसका प्रिंट लेते हैं तो आप देखेंगे तो हर पेज पर ये ऑटोमेटिक छप चुका होगा। और आप इसको प्रिंट करने पे ये ऐसे छपेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए ए बी सी ई एफ, पूरा जितनी भी एंट्री हुई है, जहां तक की एंट्री हुई है, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर इस बॉक्स को हटा दिया आपने तो ये नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का यूज कब किया जाता है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज में, अपने वर्कबुक में कोई पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं। तो चलिए हम एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको, तो और क्लियरिटी मिल जाएगी। मान लीजिए ये पिक्चर हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इसको हमने एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट करने के बाद फिर से हम चले आए इंसर्ट में और यहां पे फिर से हमने एक नई इमेज को इंसर्ट कर लिया। अब इसको हम चाहते हैं, जैसे ये इसके सामने है, तो हम चलते हैं पेज लेआउट में, यहां पे करते हैं सेंड टू बैक, तो आपका वो कंटेंट पीछे चला जाएगा और ये सामने आ जाएगा। इसी तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए भी ऑप्शन है, फॉन्ट ऑन टू के लिए, तो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक आपके यूज कर सकते हैं। देर हम बात करें सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है, जब आपने क्या किया, सिलेक्शन पेन लिया, अभी देखिए क्या सिलेक्ट है वो दिखाएगा सिलेक्शन पेन पे। इसका काम है सिर्फ दिखाना और दिखाना। तो हमने जैसे इतने को सिलेक्ट कर लिया तो अब ये क्या करेगा, खोज के उसको ला देगा और यहां पर दिखाएगा कि क्या सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट क्या होता है, आप अपने पेज को, अपने पेज में लिखे हुए टेक्स्ट को कहां एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे आप अलाइनमेंट सेट कर देते हैं तो आपका टेक्स्ट वैसे ही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे बात करें स्नैप गाइड, तो ये जो ए बी सी डी कहा, ये भी आपका उसमें छप जाएगा बहुत आसानी के साथ। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें सिलेक्शन पेन के बाद अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट ये आपने देख ही लिया। अब क्रॉप और रोटेट, क्रॉप और रोटेट का यूज कैसे करें, इसके लिए सबसे पहला काम हमको अपने पेज में एक फाइल इंसर्ट करनी है जेपीजी की। तो फाइल में चल के जेपीजी इंसर्ट कर लिया हमने। अब उसके बाद यहां से क्रॉप करना चाहते हैं या लेआउट में चल के क्रॉप ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, रोटेट हो गया है, रोटेट का यूज कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी सेटिंग जो मैंने बताई ये आप कर लीजिए,
एक एक ऑप्शन का पहले मैंने आपको पूरा डिटेल भी बताया जिससे आपको नॉलेज मिल पाए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा हो, काम का रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।